उधमपुर में आपको बता दें कि कुछ यंगस्टर्स ने सशक्तिकरण की एक मिसाल जो है वो पेश की है। किस तरह से ये मिसाल पेश की गई है आपको बता दें कि आपने अपने आसपास भी कई सारे ऐसे लोग देते होंगे जो है वो देखे होंगे, कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि प्रवासी मजदूर हैं और उनके बच्चे जो हैं वो इधर उधर दरबदर जो है भटकते हैं और पढ़ाई जो है उनकी नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ युवा कुछ युवतियाँ जो है ऐसी रही हैं उधमपुर में जिन्होंने एक पहल की है इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। आपको बता दें कि ये प्राइवेट स्कूल में जो है टीचर्स हैं, दो इसमें जो है युवतियां हैं और एक युवक हैं। इन तीनों ने ही एक मिसाल जो है पेश करने के लिए एक कदम उठाया है जिसमें ये प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन देने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया और उसके बाद उनके जो भी उनके प्रवासी जो स्थान है जहां पर भी ये लोग रहते हैं वहां पर जाकर उन बच्चों को शिक्षा जो है ये मुहैया करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां पर बात की जाती है एम्पावरमेंट की कि हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एम्पावर होना चाहिए, वो उसके पास एटलीस्ट इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो अपना जो है अपनी जो चीज़ें हैं उसे जो है समझ पाए और किस तरह से सोसाइटी के साथ डील करना है उस पर भी कहीं ना कहीं वो कुछ अहम चीज़ें जो है वो कर पाए। लेकिन जिस तरह से ये मिसाल जो है इन यंगस्टर्स ने पेश की है, काफ़ी सारे लोगों की अगर बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों को देखते ज़रूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस जो है वो हो जाती है और कहीं ना कहीं एक झिझक रहती है कि किस तरह से ये कदम जो है उठाया जाए कि इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएँ। लेकिन अब उधमपुर की अगर बात करें तो उधमपुर में जिस तरह से ये जो टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे और वहाँ से भी टाइम निकाल के इन प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए भी एजुकेशन दी जाती है। हालांकि अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से भी इन मजदूरों के लिए या जो भी ये प्रवासी लोग हैं जो जो है बार बार माइग्रेट करते हैं, साल में कई बार ऐसा होता है कि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ट्रैवल करना पड़ता है, तो इनके लिए मूवेबल स्कूल्स जो है वो भी बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन जो है वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब किस तरह से इन जो यंगस्टर्स ने एक पहल जो है ये की है इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, हमें बताइएगा कि जिस तरह से उधमपुर से ये जो इन यंगस्टर्स ने एक मिसाल पेश की है जहां पर प्रवासी मजदूरों के बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और एक विलिंगनेस जो है वो दिखाई गई है इन युवाओं की तरफ से, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चेतना, आपने ये साफ देखा होगा कि हर कोई जो है वो आजकल जो है अपने लिए सोचता है, लेकिन ये तीन टीचर ऐसे हैं कोविड-19 के चलते जो गरीब यानी कि जो प्रवासी मजदूरों को जो बच्चे थे ये लड्डन जिसे ये ब्रह्मपुर कहा जाता है वहां के जो बच्चे हैं जहाँ पे झोंपड़ियों में रहते थे, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने शुरुआत इन टीचरों ने की थी जब तब वहां पे 2 से 3 बच्चे थे, लेकिन आज की मैं तारीख की मैं बात करूँ 20 से 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वहां पे शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। उसी तरफ आप देखें तो हर कोई यही चाहता है, हर माता पिता का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन हमने यहाँ पे एक साफ ये चीज देखी है कि जो प्रवासी मजदूरों के ये बच्चे हैं जब कोई ये इनके जो माता पिता किशोर आप सुन पा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं एक बार फिर हमारे संवाददाता किशोर के साथ हमारा संपर्क हो सके। और जिस तरह से किशोर हमें बता भी रहे थे कि किस तरह से इन युवाओं ने जो है एक पहल की है और इस पहल के साथ ही इन लोगों ने ये इन जो भी ये प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए हैं ताकि इन बच्चों को भी एजुकेशन जो है वो एक तरह से जो है मुहैया करवाई जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ एक NGO के साथ जो है वो भी ये जो यंगस्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए हैं और एक जो एक कदम जो यहाँ पर उठाया गया है कि हर एक बच्चा जो है वो एजुकेट होना चाहिए, हर एक बच्चा जो है वो एटलीस्ट मेनस्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए उसके लिए हर एक ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें किसी भी तरह से वो बच्चा जो है पिछड़ा हुआ ना रह पाए। एक बार फिर हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी किशोर बताइए। बच्चे हैं इनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अभी की मैं बात करूं यहाँ पे जब इन लोगों ने इन टीचरों ने जब शुरुआत की थी तब 3 से 4 बच्चे होते थे, लेकिन अभी 20 से 30 ऐसे बच्चे हैं वहां पे जो है शिक्षा फ्री में लेते हैं। बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ये 3 आप टीचर देख रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब इनके पास फ्री टाइम होता है इन लोगों की झोंपड़ी में जाकर ये बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि आपको ये बताता चलूं कि जब हमने बच्चों से वहां पे बात की बच्चों को ये साफ कहना था कि हमें जो है अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, लेकिन अभी हमने ये साफ तौर पर वहां पे देखा है कि बच्चे अपना
वहां पे नाम लिख रहे हैं और अपने जो माता पिता हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। बड़ी बात चेतना ये भी आपने देखी होगी, ये जो लोग दैड़ी मजदूरी का काम करते थे अपने बच्चों को साथ में लेकर वहां पे ये दैड़ी मजदूरी का काम करते थे। वहां पे हमने ये साफ तौर ये भी देखा कि वहां पे 14 से 15 साल की जो वहां पे बेटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्री में जो है वो घर में बैठी रहती थी। उनको ये कहना था कि हमें कभी स्कूल के बारे में किसी ने जागरूक नहीं किया था, लेकिन ये 3 टीचरों ने इनको इनके घर में जाकर जो है उनको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे ही हम जब हम ये भी आप साफ तौर देखें कि प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया था कि लेवल जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल होंगे, लेकिन यही उधमपुर जिला की मैं बात करूं, बारते नगर से उधमपुर को कहा जाता है, वहां पे एक ये स्कूल लेबर बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन 2 से 3 दिन तक वो चला। लेकिन इन टीचरों की मैं बात करूं, ये कोविड के चलते उन लोगों को घर घर में जाते हैं, झोंपड़ियों में जाते हैं, बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 महीने के अंदर ये जो लोग हैं ये अपने गांव में वापिस चले जाते हैं। कोई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन काफी इसमें अब हमने ये साफ देखा कि बच्चों में चेंजिंग काफी देखने को मिली। जो बच्चे कभी अपना नाम नहीं लिख पाते थे, आज वो बच्चे अपना पे नाम लिख रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इसी तरह से हम जो है फ्री में जो है बच्चों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, कोई लेबर क्लास के बच्चे हैं, उनको हम फ्री में शिक्षा देंगे। इनकी मेहनत जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता किशोर जो है हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इन युवाओं ने, इन यंगस्टर्स ने जो एक पहल की है, और उस पहल के बाद वो पहल जो है किस तरह से रंग लाती हुई भी नजर आ रही है। ये बच्चे जो है अब अपना नाम तक लिख पा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये रीड कर पा रहे हैं। इससे पहले ये बच्चे जो है ना ही कुछ पढ़ पाते थे, ना ही अपना नाम तक लिख पाते थे, लेकिन अब जो एक पहल की गई है वो अब कहीं ना कहीं जो है जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही है।